गाइस हाय वेलकम टू आज के सेशन में हम लोग सॉल्यूशंस करने वाले हैं जेई मेंस के लिए नाउ यू नो दैट सिलेबस रिड्यूस हो चुका है तो तुम्हें पता है हर एक चैप्टर जो अभी है सिलेबस में उसका वेटेज ऑटोमेटिकली यू नो हाइप हो गया है अब वो ऊपर चला जाएगा प्लस हर टॉपिक को डेप्थ में करना पड़ेगा तो सोल्यूशन को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे क्वेश्चन के साथ रिवाइज करेंगे है ना तो जुड़े रहना पूरे सेशन में और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुत सीधे सीधे नंबर दिलाता है आपको सोल्यूशन और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करो बिकॉज हम लोग जब से आपका न्यूज आ गया हैदार चीजें चैनल पे तुम लोगों के लिए प्रिपेयर करें अपडेटेड सिलेबस के साथ हम नई सीरीज भी लॉन्च करेंगे you know, so क्योंकि वेदांत आपके साथ है एंड ये वी विल बी टूगेदर इन दिस चलिए शुरू करते हैं मैं हूँ शिल्पी कौशिक आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर वेदांतों पर तो यार सोल्यूशन का वीटेज देखो पिछले कुछ सालों का तो तुम देख सकते हो यहाँ पे जैसे कॉन्सेंट्रेशन को सोल्यूशन जो तुम क्लास इलेवेंथ में भी करते हो ना मोलारिटी मोलिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तो वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 में तो लगभग अराउंड सात क्वेश्चन आए थे टोटल सेट सेट ये सारे को मिला के है ठीक है अब सोल्यूबिलिटी से भी कभी कभार है ना एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है बहुत ज्यादा नहीं आता सोल्यूबिलिटी से ये वाला टॉपिक देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल मोलर मास है ना यहाँ पे जो तुम्हारा आई है ना जो तुम पढ़ते हो यस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को वेंट हॉफ फैक्टर के साथ तो भाई देखो कितने सवाल वहां से आए हैं है ना 18 सवाल एक बार पूछे 11 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पूछे 2022 में देख सकते हो तो यहाँ से ना क्वेश्चन जरूर देता है ठीक है गारंटीड गारंटीड तुम्हें ऐसे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो पूरा सेशन में ना इन टॉपिक्स के ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे जहां से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ चुका है पेपर के अंदर ठीक है तो ध्यान देना भाई पूरा अच्छे से सेशन अटेंड करो मेरे साथ तो शुरू करेंगे वेपर प्रेशर से ठीक है देखो वेपर प्रेशर होता क्या है वेपर प्रेशर मतलब मैम वेपर का प्रेशर हम्म इतना आसान है ना तो यस वेपर प्रेशर होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स पर क्या ये कंप्लीट स्टेटमेंट है नहीं जब मैं बोलती हूँ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर तो उससे लगता है किसी भी टाइम पर एक लिक्विड पे है ना जब भी जो भी वेपर्स प्रेशर लगा रहे हैं वो वेपर प्रेशर है नहीं जबकि वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ कब डिफाइन होता है भाई इक्विलिब्रियम पर कब इट इज डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है तब जो भी प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वेपर्स के द्वारा लिक्विड के सरफेस पे उसे वेपर प्रेशर बुलाते हैं मतलब इसका क्या मतलब है मैम जैसे मान लो हमने ना एक कॉन्टेनर लिया ठीक है ये लिक्विड के पार्टिकल्स है और हम कंटेनर मैंने बहुत सुंदर तो नहीं बनाया हमारा कंटेनर तो लीक कर गया <laughs> मैम इसमें से तो लिक्विड भाग जाएगा चलो डिजाइनर कंटेनर बना लेते हैं ठीक है ये अपना कंटेनर है और कंटेनर को बंद भी तो करना पड़ेगा अब है ना वरना वेपर्स नहीं चले जाएंगे बहुत सुंदर है हमारा कॉन्टेनर टब बड़ा सा टब स्विमिंग पूल बना लिया हमने तो देखो एक कॉन्टेनर है कॉन्टेनर में हमने कुछ लिक्विड लिया ठीक है अब ये जो लिक्विड है लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स है ना उनका बिहेवियर अलग होता है मतलब जैसे एक तो बीच में पार्टिकल्स जो पड़े हैं इनको बल्क के पार्टिकल्स बुलाया जाता है कुछ बल्किल सरफेस के ऊपर है तो सरफेस के पार्टिकल्स की ज्यादा एनर्जी होती है बल्क वालों से कंपेरिटिवली है ना तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब सर्फेस लेवल पे जो पार्टिकल्स है लिक्विड सर्फेस पे उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो बोलते हैं भाई मैंने ना लिक्विड की जिंदगी बहुत झीली अब मैं खुली हवा में मैं वेपर बनना चाहता हूं मैं खुली हवा में सांस लेना चाहता हूँ तो ये जो तुम्हारे लिक्विड के पार्टिकल्स है ना सरफेस ऑफ द लिक्विड पे ये क्या करते हैं एनर्जी को एब्सॉर्ब करके वेपर बनाना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पर तुमको दिखेगा वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं

कंडेंस हो जाएगा है ना तो ये चलता रहेगा कुछ सरफेस के पार्टिकल्स इवैपोरेट हो गए फिर कुछ वेपर के पार्टिकल कंडेंस हो गए ये चलता रहेगा तो जब इस स्टेट का इक्विलिब्रियम आता है जब भी तुम्हारा जो रेट होता है इवैपोरेशन का है ना जब भी ये जो रेट है इवैपोरेशन का ये बराबर होगा किसके रेट ऑफ कंडेंसेशन के है ना रेट ऑफ कंडेंसेशन के तो वो जो टाइम है है ना उस वक्त जो वेपर्स एक्सर्ट करते हैं प्रेशर लिक्विड के सरफेस पर उसको ही वेपर प्रेशर बुलाया जाता है इस वक्त ये इक्विलिब्रियम की स्टेट है जब जितना ही जितना रेट का है उतना ही कॉन्डेसेशन का है है ना जब ये टाइम हो जाता है ना उस वक्त जो जो भी वेपर्स लिक्विड के सर्फेस पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो वेपर प्रेशर कहलाता है ठीक है ऑल ऑल इसका मतलब ये होता है वेपर प्रेशर का ठीक है अब ध्यान देना एक दो और चीजें बताती हूँ वेबर प्रेशर पे कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं यहां कॉर्नर में यहां लिख लेते हैं दिख रहा होगा ना ये छोटा सा स्पेस दो तीन फैक्टर्स हैं जो बताने हैं फैक्टर्स जो वेबर प्रेशर को इंपैक्ट कर सकते हैं देखो पहला तो है टेम्परेचर बिल्कुल है हेरा बोल सकती हूँ मैं अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा यार क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से जो पार्टिकल्स है लिक्विड के उनको ज्यादा पार्टिकल्स को इनफ काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वेपर्स बनाने में उस केस में वेपर प्रेशर भी एग्जॉर्ट करता है ना टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दूसरा पॉइंट आईएमएफ आईएमएफ क्या है इंट्रोमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स है ना अगर लिक्विड के पार्टिकल्स में मान लो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है 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 ना इन्होंने बहुत टाइटली आपस में एक दूसरे को पकड़ा है, तो यार उतना ही कम होगा ना उनका वेपर में कन्वर्ट होना और वेपर प्रेशर एक्सर्ट करना सही बात है ना अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उस केस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वेपर प्रेशर के इनवर्सली रिलेटेड होते हैं अगर बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो वेपर एग्जॉटेड बाय लिक्विड कम होगा जाहिर सी बात है सही बात है ना ये इसमें कुछ वो नहीं है ठीक है थर्ड पॉइंट होता है बॉइलिंग 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 पॉइंट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है है देखो boiling point और वेपर प्रेशर का भी जो संबंध वो इनवर्सली है इनवर्सली रिलेटेड है खुद समझो अगर मान लो कोई लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे वो लिक्विड वेपर बनाता है मुश्किल है उसके लिए आसान नहीं है वो कह रहा है मुझे ज्यादा हीट लेनी पड़ेगी तब बॉईल होना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है उसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है तो उस केस में लिक्विड जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी यार वो कम ही तो होगा उसको उससे बॉइल ही नहीं हो पा रहा बॉईल होने के लिए इतना टेंपरेचर देना पड़ रहा है कब वेपर बनेगा कब वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा ऐसे सोचो है ना या फिर ये रिलेशन है इनवर्स इनको ध्यान रखो अगर भूल जाते हो तो इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से कनेक्ट करके सोचा करो ठीक है कर सकते हो ये कुछ मोटा मोटी फैक्टर्स है एक क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ द इंटोमोलिकुलर फोर्स इन लिक्विड ए बी सी आर इन द ऑर्डर तो उन्होंने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बताए लिक्विड में ए में सबसे कम है बी में उससे ज्यादा और सी में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है, है ना तो देखो वो क्या पूछ रहा है इवेपोरेशन के रेट कि बी इवेपोरेट लेस इजीली देन सी तुम बताओ अगर c की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा स्ट्रांग है तो b से तो यार c मुश्किल से इवैपोरेट करेगा ना b के कंपैरिजन में b तो फास्टली करेगा सही बात है b इवैपोरेट्स फास्टर देन c नॉट लेस रैजली है ना मुश्किल से मतलब मुश्किल से नहीं करेगा वो बोलेगा भाई मेरी अट्रैक्शन तो तुझसे तो कम है मैं तो बन जाऊंगा वेपर आराम से है ना लाइक दैट b एंड c इवैपोरेट एट द सेम टाइम बिल्कुल भी नहीं उनकी अट्रैक्शन में ही फर्क है ए बी बीपोरेट एट द सेम टाइम नोप ए मोर दोर देन सी ए में तो बहुत कम फोर्सेस ऑफ स्ट्रॉन्ग है में तो ए है। है तो बोलेगी इतने में सी सोचेगा यार मैं वेपर बनाता हूँ मैं इवेपोरेट होता हूँ ए तो इवेपोरेट हो गया खत्म हो चुकी होगी उसका खत्म गेम खत्म हो जाएगा ठीक है तो ये ऐसे क्वेश्चन है सिंपल सा कर सकते हो कर सकते हो चलिए नेक्स्ट इज लॉ राउलॉ लॉ को डिस्कस करते हैं तो राउल भैया क्या बोलते हैं राउल भैया कहते हैं कि चलो भाई तुम वैसे दो केसेस के लिए हम पढ़ते हैं यहाँ पे दो वोलेट लिक्विड के लिए मैं बताती हूँ पहले ठीक है दो वॉलेटाई लिक्विड के लिए अगले पेज पे लिख लेंगे इसको भी जनरल डेफिनेशन देख लो इसकी हम्म hmm, या तो राउुल भैया क्या बोलते हैं राहुल भैया बोलते हैं कि भाई देखो एक सोल्यूशन जिसमें वोलेटाइल लिक्विड्स हैं वोलेटाइल लिक्विड समझते हो जो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे जो वेपर बना सकती हैं ठीक है ठीक तो है, है तो एक सोल्यूशन है जिसमें हमारे पास वोलेटाइल लिक्विड है तो कहना है जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ इट मतलब देखो इसका मतलब ये है एक डिब्बा है तुम्हारे पास एक डिब्बे में मान लो तुमने दो लिक्विड लिया लिक्विड ए और लिक्विड बी और दोनों ही कैसी है दोनों वॉलेटाइल है दोनों वॉलेटाइल है अब डिब्बे को बंद कर देना वेपर्स उठ जाएंगे ठीक है ठेके? अब वो बोल रहा है कि जितना पार्शियल प्रेशर है मतलब जितना जो पार्शियल वेपर प्रेशर सॉरी जितना वेपर प्रेशर ए एक्सर्ट करेगी वो उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जितना वेपर प्रेशर बी एक्सर्ट करेगा वो उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बस तो राउल भैया यही बोलते हैं जो पार्शियल वेपर प्रेशर कोई कंपोनेंट सॉल्यूशन में एक्सर्ट करता है वो उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ठीक है जहां पे तुम्हें पता है जो सम है मोल फ्रैक्शन का वो तो हमेशा वन के बराबर आता है है ना तो मतलब राउुल बोलना चाहते हैं टोटल वेपर प्रेशर जो आएगा इस सॉल्यूशन का वो वेपर प्रेशर ऑफ ए या बोलो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी के बराबर होगा ये क्या है ये है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन किसका वेपर प्रेशर ए का सॉल्यूशन में और ये वेपर प्रेशर बी का है है ना वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन ठीक है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा अब यहाँ पर देखो प्रोपोर्शनैलिटी का यहाँ पे ए के लिए लिखा हुआ है ऐसे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट लेकर आओगे तो यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटा के पी नॉट ए लेकर आते हैं पी नॉट ए है पार्शियल वेपर प्रेशर ए का प्योर फॉर्म में है ना जो भी अब इसको पार्शियल बोलने की जरूरत नहीं है तुम सिंपल पी नॉट अगर ए लिख रहे हो तो तुम इसको बोल सकते हो वेपर प्रेशर जो भी ए का होगा किसमें प्योर स्टेट में है ना वेपर प्रेशर ऑफ ए किसमें प्योर फॉर्म में, में जब वो अकेला प्रेजेंट होता ऐसे ही अगर मैं पी नॉट बी लिखूं वो भी होगा वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द प्योर फॉर्म समझ रहे हो लाइक like दैट इसको फिर से लिखना सिखा देती हूँ देख लो फिर से एग्जाम्पल लेके एक, एक क्लोज कॉन्टेनर है ए और बी दो वॉलेटाइल लिक्विड है दो वोलेटाइल लिक्विड है है ना ए का मोल फ्रैक्शन एक्स है बी का एक्स बी ठीक है दोनों ने देखो अपने अपने वेपर्स बनाए हैं तो राउल्स बाबा के हिसाब से जो पार्शियल वेपर प्रेशर ए एक्सर्ट करेगा वो उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली रिलेटेड है और जिसको मैं पी नॉट ए एक्स से लिख सकती हूँ पी नॉट ए क्या है वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में ए का ठीक है ऐसे ही बी के लिए लिख सकते हैं हम है ना तो अब अब टोटल वेपर प्रेशर लॉ के हिसाब से ए और बी के पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर होगा है ना तो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ लिख सकती हूँ वोलेटाइल थी ये दो वॉलेटाइल लिक्विड का केस है अगर एक नॉन वॉलेटाइल होगा तो सिर्फ एक का ही कंट्रीब्यूशन आएगा प्रेशर में है ना वेपर प्रेशर तो वोलेटाइल कंपोनेंट ही एक्सोर्ट कर सकता है ना भाई सही बात है ना अब राहुल के लिए हम ये ग्राफ भी बनाते हैं बना दे ग्राफ बोलो बुरा तो नहीं मानोगे देखो यहाँ पर मान लो ये उसी केस के लिए जब ए और बी दोनों है, दोनों वॉलेटाइल लिक्विड है बोथ वॉलेटाइल लिक्विड अब दोनों वॉलेटाइल है तो एक ज्यादा वॉलेटाइल होगा जाहिर सी बात है तो मैंने मान लिया ए इज मोर वॉलेटाइल देन बी ठीक है ए ज्यादा वॉलेटाइल है ए इज मोर वॉलेटाइल देन बी वो केस मैंने ले रही हूँ और ग्राफ प्लॉट करके तुम्हें बता रही हूँ ठीक है तो देखो यहाँ पे शुरू में शुरू में मैं मान के चल रही हूँ ए मोल फ्रैक्शन जीरो यानी ए है ही नहीं एक खत्म है ठीक है थेके? और बी की मोल फ्रैक्शन वन मतलब सारा जो भी है अपना अभी सिर्फ बी है ठीक है अपने पास तो जितना वेपर प्रेशर एग्जोटेड होगा इस वक्त वो जाहिर सी बात है बी की वजह से होगा जितना वेपर प्रेशर इस पर एग्जॉर्ट होगा वो प्योर फॉर्म में बी के बराबर हो सकता है जो कि यहाँ पे हम प्लॉट कर सकते हैं ठीक है अब देखो अब जैसे ही तुम मिक्स करना शुरू करते हो धीरे धीरे इस साइड अगर जा रहे हो तो मोल फ्रैक्शन ए की इंक्रीज होगी है ना ए बढ़ता जाएगा बी की मोल फ्रैक्शन कम होती जाएगी तो तुम सोचो अगर ए की मोल फ्रैक्शन बढ़ रही है B की मोल फ्रैक्शन कम हो रही है सम तो हमेशा एक के बराबर आता है ना मोल फ्रैक्शन का है ना तो मैंने बोला कि भाई जैसे जैसे तुम राइट साइड को जा रहे हो तुम्हारी मोल फ्रैक्शन B की कम होती जा रही है तो जितना वेपर प्रेशर B एक्सर्ट करेगा वो भी तो कम होगा मान लोगे ना ये बात अगर मोल फ्रैक्शन B की कम हो रही है तो जितना वेपर प्रेशर B एक्सर्ट कर रहा होगा भाई वो भी कम होगा जाहिर सी बात है इसको यहाँ टच कर दो ठीक है मैम से ना एक्चुअली पेन टैबलेट पे ग्राफ नहीं बन पाती ये थोड़ा ऐसे हो जाता है यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच तो। दो कर दोगे अभी देखना कितने अटेम्प्ट लगेंगे भाई ये स्ट्रेट लाइन है <laughs> मैम ये कैसी स्ट्रेट लाइन है <laughs> चलो ऐसे ही देखो यहाँ पर तुम पहुंच गए होगे तो अब एक पॉइंट आ गया जब मोल फ्रैक्शन ए की मैक्सिमम हो गई वन और बी की मोल फ्रैक्शन जीरो बी खत्म हो गया तो जितना प्रेशर एक्सर्टेड होगा वेपर प्रेशर वो सिर्फ ए की वजह से होगा तो पी नॉट ए क्योंकि ए ज्यादा वॉलेटाइल है तो इसका मैंने ऊपर दिखाया है पी नॉट ए मैंने ऊपर दिखाया ग्राफ में क्योंकि ए ज्यादा वॉलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर बी से ज्यादा होगा प्योर फॉर्म में ठीक है ठीक है तो अब इसको इधर देखो इंक्रीज हो रहा है तो ए के द्वारा जो सीधी लाइन सीधी 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 ओ, हो गया। अच्छा लग रहा है <laughs> तो अब देखो ये की वजह से सही है अब इसको अगर कनेक्ट कर दोगे पी नॉट बी ओ पी नॉट ए ओ, ये टोटल वेपर प्रेशर होगा यहाँ से टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा पी नॉट ए एक्स से प्लस ठीक है ऐसा ग्राफ बनता है सीधी लाइन खींच लेना भाई तुम मेरे की तरह मत करना ठीक है चलिए बहुत बढ़िया अब कॉम्पोजिशन में देखे बोलो भाई मुश्किल है क्या ये मुश्किल लगा तुम्हें बोलो मुश्किल लगा आसान है ना तो ये चीज देखो यहां से क्वेश्चन भाई सीधे आते हैं तो तुमको घबराने की जरूरत नहीं है कि मैम हम कर नहीं पाएंगे तुम बिल्कुल आराम से कर पाओगे रादर अच्छे से कर पाओगे ठीक है भरोसा रखो और कुछ नहीं आए ये चीजें तुम्हारे लिए हलवा है बिल्कुल ठीक है चलो ध्यान देना कंपोजीशन वेपर फेज में कैसा होगा है ना तो वेपर फेज के लिए अब जब लिक्विड फेज में मैंने कंपोजीशन x से xp से दिखाया था मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में x से xp से दिखाया था तो वेपर फेज में y ले लेते हैं हम ठीक है तो हम y ले लें यस लेट y a इसको मान लो मोल फ्रैक्शन a का ये क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ a किसमें वेपर फेज में, vapor phase में. इन द वेपर फेज डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है तुमको मैं दिखा रही हूँ कैसे आया ठीक है तो y b क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ b इन द वेपर फेज है ना डाल्टनस लॉ लगाते हैं डाल्टनस बाबा के हिसाब से यस डाल्टनस लॉ अगर हम लगाते हैं वही जैसे मान लो जितना भी प्रेशर a का एग्जोटेड होगा है ना a का वेपर प्रेशर वो किसके बराबर होगा मोल फ्रैक्शन इसको सीधा ही लिख लो यहां पर एक्सप्रेशन लिख देते हैं सीधा थोड़ा ऊपर एक्चुअली स्पेस चाहिए होगा ठीक है तो जितना वेप प्रेशर ए एक्ट करेगा है ना वो उसकी मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा है ना मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर कहां से आया डॉल्टन लॉ से आया डीएल लिख लो फ्रॉम डोल्टन लॉ कौन सा तुमने डेरिवेशन करनी है है ना ऐसे ही पीबी मैं लिख सकती हूँ किसके उसकी मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर यस और नो

प्लस पी नॉट बी पी सॉरी एक्स ए यहाँ पे ए लिख लेना ठीक है प्लस पी नॉट बी पी लिख सकते हैं भाई से लिख सकते हैं ऐसे मोल फ्रैक्शन बी में पी नॉट बी एक्स बी डिवाइडेड बाय ये टोटल वाला तो एक्सप्रेशन सेम रहेगा लिख सकते हो बस यहाँ से भी सीधे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं राइट? ऐसे ही क्या भाई इसमें क्वेश्चन करें तुम्हें पसंद है ना क्वेश्चन करना इससे टॉपिक के बाद ही क्वेश्चन करा रही हूँ ताकि वो टॉपिक वहीं पर क्लियर हो जाए ठीक है ध्यान देना प्लीज बोल रहे जो वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड ए का सेवेंटी टॉर है ठीक है क्या है प्योर का आपको दिया है सेवेंटी टॉर ठीक है सताइस डिग्री सेल्सियस पे इट फॉर्म्स एन आइडियल सोल्यूशन विद अनदर लिक्विड बी ठीक है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज जीरो पॉइंट टू कितना दिया है मोल फ्रैक्शन बी का जीरो पॉइंट टू ठीक है ओके एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज एटी फोर टॉर टॉर में ही दिया है टोटल वेपर प्रेशर कितना है भाई 84 फोर टॉर है ठीक है ये भी टॉर में ही था यस yes? हाँ चलो फिर क्या बोल रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी बताइए सेम टेम्परेचर पे प्योर लिक्विड बी मतलब पी नॉट बी पूछा है यही पूछा है बोलो भाई बोलो भाई यही पूछा है ठीक है, टोटल वेबर प्रेशर मुझे दिया है ओके, कलर चेंज करते है, देखो भाई मुझे पता है टोटल कितना एटी 84 और यहाँ यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है ओके से लिख लू इसे लॉ के हिसाब से वेपर प्रेशर बी का लिख लू ए और बी पता है ना बेबर प्रेशर सोल्यूशन में होते हैं ये ठीक है और ये बी उनकी प्योर फॉर्म में होते हैं ठीक है P A A दिया है है मुझे 72 और मोल फ्रैक्शन का का कितना होगा अगर B 0.2 तो भाई मोल फ्रैक्शन A का एक में से 0.2 घटा दो 0.8 होगा अरे भाई यही तो होगा बुरा मान गए क्या मैम ठीक है P पीनॉट B मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन B का 0.2 है बताओ कुछ दिक्कत कुछ तकलीफ कोई दर्द कैलकुलेशन हमारा दर्द है मैम भाई तुम तो मैथ्स के स्टूडेंट जो तुम्हारे लिए तो चिंदु है 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 ये है क्या ये ये कैलकुलेशन क्या कर दो सॉल्व चलो आंसर निकाल लेना अपना यहाँ से ठीक है वन फोर्टी आएगा ओके जी ओके जी कर सकते हो बोलो भाई बोलो भाई कर लोगे ठीक है नेक्स्ट इज हेनरीज लॉ हेनरी लॉ कितना प्यारा नाम है, है ना हेनरीज लॉ ये कहते हैं जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वेपर फेज में द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द वाओ क्या बात है है ना यस yes? यस yes? हाँ, देखो द पार्शियल वेपर प्रेशर गैस का वेपर फेज में उसकी मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे हेनरीज कॉन्स्टेंट लेकर आएंगे ठीक है और ये जो हैनरीज कांस्टेंट है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो भाई हेनरीज कांस्टेंट बढ़ता है और सोल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में घट जाती है क्योंकि सोल्युबिलिटी का मैं अगर तुम्हें बताऊं राज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के इनवर्सली रिलेटेड होती है टेम्परेचर के ठीक है जब प्रेशर बढ़ता है गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ने पर कम होती है तो ये रिलेशन ध्यान रखना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा हेनरीज लॉ कांस्टेंट बढ़ेगा सॉल्यूबिलिटी कम हो जाएगी गैस की लिक्विड में ठीक है किसकी गैस की लिक्विड में दिस इज फॉर गैस इन लिक्विड ध्यान रखना इस बात को ग्राफ भी बना के दिखाया देखो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो देखो स्ट्रेट लाइन लीनियर स्ट्रेट लाइन मिलेगा है ना यहाँ पे ओरिजिन से दिखाया हुआ है ठीक है इजी है ग्राफ में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है हेनरीज लॉ पे बेस्ड एक सवाल देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन बोल रहा है मोलर सोल्यूबिलिटी हीलियम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्लॉट की है अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर ठीक है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर दीज गैसेस विल लाई इन व्हाट सीक्वेंस देखो सोल्यूबिलिटी और पार्शियल प्रेशर दिया है देख सकते हो दिया है भाई यस yes. क्या बोल रहे हैं कह रहे हैं हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट का ऑर्डर बता दो भाई ग्राफ से पता चल रहा है सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा अपनी ऑक्सीजन गैस की है ऑक्सीजन की है भाई सबसे ज्यादा हाँ की ना मैम सोचना पड़ेगा <laughs> हाँ, ठीक है जैसे यहाँ पर अगर तुम देखोगे सोल्यूबिलिटी को कंपेयर करा लो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा फिर नाइट्रोजन की फिर हीलियम की ग्राफ से देख सकते हो अभी बताया था अगर मान लो सॉल्यूबिलिटी ज्यादा होती है तो हेनरीज स्लो कांस्टेंट कम होगा देखो पीछे पड़कर आयो है ना सोल्यूबिलिटी अगर ज्यादा होगी हेनरीज कॉन्स्टेंट कम हो जाएगा देखो तो सॉल्यूबिलिटी का ऑर्डर ये है तो भाई हेनरीज कॉन्स्टेंट का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा उल्टा हो जाएगा ना जिसका सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी होगा उसका सबसे कम होगा हेनरीज लो कॉन्स्टेंट ऑप्शन बी सही है है ना यस yes? hmm. देखो लिखा है हायर द वैल्यू ऑफ सॉल्यूबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड लोअर इज द वैल्यू ऑफ हेनरीज लो कॉन्स्टेंट इजी बिजी है कि नहीं है 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 कि नहीं आसान ठीक बहुत प्यारा चैप्टर है भाई ये चैप्टर एक दिन में खत्म हो जाता है इसका सवाल छूटता नहीं है पेपर में फ्री के नंबर दिलाता है यस आइडियल सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन ये वो सोल्यूशन होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं राउल्स लॉ को पूरी रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में हर वक्त है ना ये आइडियल सोल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे क्यों ऐसा होता है क्योंकि इनमें अगर तुम पार्टिकल की इंट्रैक्शन देखो इंट्रोमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में और सॉल्यूट के पार्टिकल्स में जो इंटरशन होती है वो सेम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूट सोलवेंट जब तुम मिक्स करते हो उनको सोल्यूट सॉल्वेंट को तो वहां पर भी इक्वल इंटरक्शन होती है सिमिलर काइंड ऑफ इंटरक्शन होती है ठीक है कोई कम ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता फोर्सेस के ऊपर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज पे ऐसे सोल्यूशन तुम्हारे आइडियल सोल्यूशन होते हैं ठीक है जो राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे एनथेल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो होगी इनमें वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी जीरो होगी अगर ऑफ मिक्सिंग कभी पूछे हमेशा पॉजिटिव एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है ना मिक्सिंग पे अगर डेल्टा जी पूछे तो लेस देन जीरो होगा मिक्सिंग पे वो नेगेटिव होगा एंट्रोपी पॉजिटिव होगा सबके लिए चाहे आइडियल सोल्यूशन हो या नॉन आइडियल हो ये वाली चीज सब पे लगेगी ठीक है आइडियल सॉल्यूशन को पहचानोगे ऐसे इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम से होंगे मतलब सिमिलर टाइप ऑफ मेंबर्स होंगे नाम भी इनके एक जैसे लगेंगे तुम्हें नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल हेप्टेन एल्केन्स है इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड बेंजीन टोलुबीन सेम सेम भाई बहन टाइप होंगे तो ये आइडियल सोल्यूशन होंगे ग्राफ कैसे बनाओगे जो ग्राफ तुम्हें अभी पीछे बनाकर दिखाया था याद है कौन सा मैम हम तो भूल गए ओके okay, ग्राफ देख लेते हैं अभी जो मैम ने अरे जिसमें मुझसे स्ट्रेट लाइन नहीं लग रही थी भाई आया याद अच्छा ये वाला ये आइडियल सोल्यूशन का ही है ठीक है ऐसे सीधी सीधी लाइंस मिलेंगी इसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा ठीक है जी चलिए क्वेश्चन ये हो गया ना हाँ क्वेश्चन देखो बोल रहा है एक आइडियल सोल्यूशन फॉर एन आइडियल सोल्यूशन ऑफ दो कॉम्पोनेंट ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एनथेल्पी ऑफ मिक्सिंग लेस देन जीरो बताओ आइडियल सोलूशन के लिए क्या ये बात सही है बिल्कुल गलत है एनथेल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो के बराबर होती है इंटरैक्शन बराबर होती है तभी तो वो आइडियल है तभी तो वो आइडियल है, तो है भाई है ना क्योंकि इंटरक्शन बराबर है उसमें सही है ओके नेक्स्ट नॉन आइडियल सोल्यूशन है ये राउल लॉ को उबे नहीं करेंगे जाहिर सी बात है इनमें इंटरक्शन बराबर नहीं है सोल्यूड सॉल्यूड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरक्शन डिफरेंट है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरक्शन से ठीक है अब यहाँ पर इंटरक्शन डिफरेंट है तो डेविएशन देखने को मिलता है यानी कि हो सकता है सोल्यूट सॉल्वेंट की जो अट्रैक्शन है है ना इंटरक्शन स्ट्रॉन्ग है सोल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट से या हो सकता है वीक है डिपेंडिंग ऑन दैट कि वो इंटरक्शन है या वीक हमारे पास दो तरह एक जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं एक जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं उनमें प्योर फॉर्म में सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरक्शन स्ट्रॉगर होती हैं एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन मतलब जब तुमने मिक्स किया दोनों को और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरक्शन है अब वो कमजोर है तो खुद सोचो यार अगर इंटरक्शन कमजोर होंगी तो मॉलिक्यूल्स का ब्रेक करना आसान हो जाएगा प्योर लिक्विड के कंपैरिजन में ये बात तो मान ही लोगे ना यार अगर मान लो तुम्हारा मिक्सचर है उसमें ये जो पार्टिकल्स हैं उनकी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है मिक्सचर में तो वो अपनी फोर्स तोड़कर आराम से वेपर बना लेंगी आराम से तो इन केसेस में ना वेपर प्रेशर जो तुम ऑब्जर्व करते हो वो ज्यादा आता है कैलकुलेटेड से समझो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व ज्यादा होता है कैलकुलेटेड से रीजन बींग क्योंकि यहां पे सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरैक्शन जो है वो वीक है अगर वीक हो गई इंटरक्शन तो होकर वेपर बनना बहुत आसान हो जाता है तो उस केस में तुम्हारा वेपर प्रेशर टोटल ज्यादा आता है तो देखो टोटल वेपर प्रेशर एक्सोर्टेड ज्यादा होता है अगर तुम प्योर फॉर्म के कंपेरिजन में देखो है ना जितना हम कैलकुलेटेड करते हैं उससे और ये जो ग्राफ होते हैं आइडियल से थोड़ा ऊपर ऊपर की तरफ पीक बना देना

ठीक कर लेना तो बेटा इसमें ना सारे वही एग्जाम्पल आएंगे जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो सोल्यूट सॉल्वेंट की वीक होगी तो यहाँ जितने एग्जाम्पल है ना उनके फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक है क्लोरोफॉर्म वॉटर इथेनॉल कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना तो ये केसेस है वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वाले वीक आईएमएफ या ना ऐसे करके ध्यान रख सकते हो देन जो पॉजिटिव डेविएशन डेविएशन दिखाते हैं वो देख लिए। नेगेटिव वालों में सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है प्योर फॉर्म से सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट से तो इसका मतलब अगर इनकी इंटरेक्शन स्ट्रांग है तो जो पार्टिकल्स है वो ब्रेक नहीं करेंगे आराम से वो आराम से ब्रेक करके वेपर नहीं बनाएंगे प्योर लिक्विड के मुकाबले इनमें पार्टिकल साथ में रहना पसंद करेंगे तो इसीलिए इनका टोटल वेपर प्रेशर कम आता है है ना यहां पर observed, वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड से कम आता है ये नेगेटिव डेविएशन वाले केसेस होते हैं क्योंकि इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉग है कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जहाँ पे स्पीशीज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखे या एसिड का डाइल्यूशन दिखे वो नेगेटिव डेविएशन में आते होते हैं इनकी ग्राफ में तुम्हें आइडियल से नीचे की तरफ बार दिखेगा ठीक है लाइक दैट तो ये पॉइंट को ध्यान रखना थोड़ा सा एंथेल्पी मिक्सिंग वॉल्यूम मिक्सिंग लेस देन जीरो है नेगेटिव डेविएशन में ये सेम रहेगा जैसे पीछे के केसेस में था एंट्रोपी डेल्टा जी का वेरिएशन सेम होता है सब में ठीक है एग्जाम्पल देखो ये सारे वो केसेस है जिनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है है ना स्ट्रॉ है क्लोरोफॉर्म वाटर एसिटेट या फिर एसिड डाइल्यूशन के जो केसेस है ना वो इधर आएंगे तो कहीं पे एसिड डाइल्यूशन दिखे जैसे क्लोरोफॉर्म है. है के काफी एग्जांपल्स दिख सकते हैं तुम्हें राइट right? वैसे यहां पर कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखे अगर है ना वहां पे एसिटोन क्लोरोफॉर्म

unpredictable अब ये देखो ऊपर की तरफ है है ना पीक तो मतलब पॉजिटिव डेविएशन है अब तुम सोचो पॉजिटिव डेविएशन में भाई वीक होंगे ना अट्रैक्शन पॉजिटिव डेविएशन में ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज्यादा था कैलकुलेटेड से वो कब होगा जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट की क्योंकि हमने पढ़ा है आईएमएफ इनवर्सली रिलेटेड होता है वेपर प्रेशर से याद करो है ना लाइक like दैट तो यहाँ पर तुम देख सकते हो हुँ, वीक होंगी स्मॉलर होंगी है ना एज कंपेयर टू प्योर ए ए बीबी ठीक है जी इजी है कि नहीं इजी है चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज एजियोट्रॉप एजियोट्रॉप कौन होते हैं एजियोट्रॉप होते हैं कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स क्या कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स ठीक है विच हैव सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर फेज ठीक है इनका सेम कॉम्पोजिशन रहता है लिक्विड वेप फेस में या इसको ऐसे समझो एजियोट्रॉप ऐसे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होंगे ऐसा मोल फ्रैक्शन तुमको लिक्विड्स का लेना है जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी या फिर डिस्टिलेशन से हम उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे अब आप बोलोगे मैम ऐसा कैसे हो सकता है देखो हो सकता है अगर मान लो मैंने ए बी का मिक्सचर लिया लिक्विड का और मैं बोलू ए का बॉइलिंग पॉइंट है फिफ्टी डिग्री सेल्सियस वन पे बी का है सिक्सटी डिग्री सेल्सियस तो तुमको ना कुछ ऐसा मोल फ्रैक्शन लेकर इनको मिक्स करना है जिससे जो भी मिक्सचर बनेगा मान लो तुमने कोई कोई फिक्स तुमने पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन लेके कोई ऐसा मिक्सचर बना दिया है मेरे सामने जिस मिक्सचर का या तो बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस से कम आए या 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आए ये जो मिक्सचर तुमने बनाया है या तो इसका बॉइलिंग पॉइंट फिफ्टी से कम रहे या 60 से ऊपर हो जाए। अगर 50 से कम रहता है तो दोनों ही लिक्विड फॉर्म में पड़े रहेंगे सेपरेट नहीं कर पाओगे अगर 60 से ऊपर होगा तो दोनों ही वेपर बन जाएंगे सेपरेट नहीं कर पाओगे मतलब तो 50 से 60 के बीच में नहीं इसका बॉइलिंग हो पॉइंट आना चाहिए मिक्सचर का वो सेपरेट हो जाते हैं तो यहां पर यही एजियोट्रॉप कांस्टेंट कॉन्स्टेंट बॉयलिंग मिक्सर्स होते हैं जिनको सेपरेट आप नहीं कर पाते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अब ये दो तरीके की एजियोट्रॉप्स होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स ध्यान रखो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या है बॉइलिंग पॉइंट कम है अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है बताओ बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर का बताया था इन वो रिलेशन होता है अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो भाई वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो ये कौन है इनका ऑब्जर्वड वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड से ज्यादा है यानी जितने पॉजिटिव डेविएशन वाले केसेस थे वो सारे मिनिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रोप्स होते हैं ठीक है और है, कब कम होगा, तो जितने तुम्हारे वाले थे ना वो सारे होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एसियो वाले तुम्हारे पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वाले तुम्हारे नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे ध्यान रखोगे बात बोलो बोलो भाई आसान है ध्यान रखना ठीक है नेक्स्ट इज द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की विच डू नॉट डिपेंड अप विच डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूड के नेचर पे ना डिपेंड करके वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगी किस पे पार्टिकल्स 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 के पर, के नंबर नंबर ऑफ ऑफ पर पर चार इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है हम वैंट के साथ भी पढ़ेंगे इनको क्योंकि जब न्यूमेरिकल पेपर में आता है तो वैंट हॉफ फैक्टर के साथ आता है ठीक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक है सबसे पहले बात करते हैं आर एलवीपी की यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ठीक है? कब कौन सा केस कंसिडर कर रहे हैं जब आप जैसे मान लो आपके पास एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट है ठीक है क्या है आपके पास एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट ठीक है वॉलेटाइल सॉल्वेंट तो सोचो यार अगर वॉलेटाइल सॉल्वेंट है तो जितना वेपर्स एक्सोर्टेड होगा जितना वेपर प्रेशर एक्सोर्ट करेंगे वो सॉल्वेंट के वेपर्स की वजह से होगा

क्या करेगा वेपर में contribute? नहीं करेगा नॉन वॉलिटाइल है। तो यही सेम नंबर ऑफ वेपर्स अब ओवरऑल अगर तुम देखो तो ज्यादा क्वांटिटी के ऊपर उतना वेपर प्रेशर लगा रहे हैं ज्यादा वॉल्यूम पर इज तो क्या तुम ऐसा बोल सकते हो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का इन अ वे घट गया एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट था जब तुम्हारे पास सही बात है है ना ना यार ना? तो अभी मतलब ये तो वही हो गया एक रूम में अगर दस, लोग हैं, दस लोगों के लिए मान लो दस चॉकलेट्स रखी है अब बाहर से कोई पांच लोग और नए आ गए वही दस चॉकलेट हैं तो भाई मुश्किल हो गया हालांकि वो बोले हम तो चॉकलेट खाते ही नहीं है पर थोड़ा थोड़ा तो देना पड़ेगा शेयरिंग तो करनी पड़ेगी है ना तो इफेक्टिवली चॉकलेट कम है अब अगर सोचो तो तुम तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज फाउंड टू बी लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बिल्कुल सही बात है क्योंकि सॉल्यूट थोड़ी वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इससे इम्पैक्ट हो गया देखो लोअरिंग आ गई वेपर प्रेशर में समझ रहे हो देर इज लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर अब वही हम कैलकुलेट करेंगे कि ये जब तुमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया बाहर से तो क्या लोअरिंग आई है वेप प्रेशर के अंदर ठीक है करते हैं देखो जितना वेपर प्रेशर होगा भाई टोटल वो तो सिर्फ एक ही वजह से आएगा वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सही बात है ना जितना है क्योंकि बी तो नॉन वॉलेटाइल है तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर है ना तो टोटल तो वेपर प्रेशर अपना जितना भी है 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 वो ए की वजह से आ रहा ठीक और मुझे पता है कि जो वेपर प्रेशर ए का है मैं उसे लिख सकती हूँ प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर इनटू उसकी मोल फ्रैक्शन के है ना अब मुझे पता है मोल फ्रैक्शन ए और बी की लिक्विड फेज में एक के बराबर है तो मोल फ्रैक्शन ए को मैं लिख सकती हूँ वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखो वेब प्रेशर ऑफ ए कितना होगा पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वन माइनस एक्स बी लिखा मैंने ठीक है यह आएगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी लिख सकते हैं लिख सकते हैं है ना इसको मैं रीअरेंज करके कैसे लिख लू पी नॉट ए एक्स बी किसके बराबर आएगा पी नॉट ए माइनस पी ए है ना यहां से मोल फ्रैक्शन में लिख सकती हूँ बी की किसके पी नॉट ए माइनस पीए बाई पी नॉट ए बताओ लिख सकते हैं ऐसे यही तुम्हारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है आर एल बी पी अब पूरी केमेस्ट्री में इसमें इस, इस चैप्टर में है ना हम ए को यूज करेंगे सॉल्वेंट दिखाने के लिए और बी को यूज करेंगे सॉल्यूट दिखाने के लिए ठीक है तो कंफ्यूज नहीं होना ए बी में तो एक्स बी मतलब प्रेशर डिवाइडेड बाय अगेन पी नॉट ए ये रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन होता है सीधे क्वेश्चन आते हैं ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है देखो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे है ना और अगर तुम बात करते हो लोअरिंग इन वेब प्रेशर कभी पूछे पेपर में लोअरिंग इन वेब प्रेशर निकालो तो वो होगा पी नॉट ए माइनस पी ए लोअरिंग इन वेब प्रेशर ये होता है एंड ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ठीक है तो अभी एक क्वेश्चन दिखाती हूँ देखना आर एल वीपी सॉल्व करके क्वेश्चन है वेंट हॉफ फैक्टर के बाद एक बार फाइनल एक्सप्रेशन दोबारा देख लेंगे नथिंग लाइक बिग थिंग इन दैट ठीक है करें इस क्वेश्चन को देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है रूम टेम्परेचर पे डाइल्यूट सॉल्यूशन है यूरिया का जो कि प्रिपेयर किया है बाय डिसॉल्विंग सिक्स ग्राम ऑफ यूरिया इन थ्री सिक्सटी ग्राम ऑफ वाटर ठीक है इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज गिवन फाइंड द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग वेपर प्रेशर अभी एक्सप्रेशन देखा है तुमने पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर था हमें क्या निकालना है हमें ये निकालना है, ये है।, है ना ये पी नॉट ए माइनस पी ए किसके बराबर है बेटा ना चलो करते हैं ये तो हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन बी का क्या होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का है ना सोल्यूट के मोल्स बाय टोटल मोल सोलवेंट और सोल्यूट के है ना P not a हम वैल्यू रख देंगे यस और नो बताओ यस वीपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दिया हुआ थोर्टी फाइव एम एम एच ई एम एम एच जी में ही आंसर निकालना है तो यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी ओके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सोल्यूट के मोल्स यानी यूरिया यूरिया हमारा सोल्यूट है मोल्स निकाल सकते हैं मास गिवन कितना है 0.60 मोलर मास यूरिया का दिया हुआ है ना भी दे तो तुम्हें पता होना चाहिए यूरिया इज एन एच टू सी एन एच टू ठीक है निकाल लेना यहां से ठीक है 60 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से इसके नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे ओके डिवाइडेड बाई वॉटर के मोल्स निकालो मास गिवन थ्री मोलर मास अठारह ग्राम पर मोल ठीक है 360/18 प्लस मोल्स यूरिया के एज इट इज रहेंगे और इसको 35 से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लो तुम्हारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ जाएगी बोलो भाई हो जाएगा क्या मुश्किल था ये सवाल बोलो क्या मुश्किल था ये सवाल इजी पीजी लेवल्स कोई थी ठीक है चलो निकल जाएगा आंसर यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट अब ये भी वही चीज है ये वही वाला केस है नॉन सॉल्यूट इज एडेड नॉन सॉल्यूट इज एडेड टू वॉलेटाइल सॉल्वेंट ठीक है कर लोगे बताओ तो क्या हो रहा था वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा था प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा बताया था इन रिलेटेड होंगे बताया था ना भाई बताया था अब ये ग्राफ से समझो मोटा मोटी देख लो एक्सप्रेशन ध्यान रखना इसका वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है सही है एवरीथिंग इज गुड आवाज आ रही है ना फाइन ओके वेरी गुड

ग्राफ आएगा ठीक है ये जो रेड कलर से है प्योर सॉल्वेंट के लिए सॉल्यूशन का देखो बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ थोड़ा नीचे की तरफ दिखाया है है ना अब यहाँ पर ध्यान देना क्या बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आया कि नहीं आया वो समझते हैं हम एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम चेक कर रहे हैं वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे देखो यहाँ पर तुम्हें मिलेगा टीबी नॉट टीबी नॉट क्या है ये होगा बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का ऊपर वाला ग्राफ सॉल्वेंट के लिए ठीक है ऐसे इसी प्रेशर के ऊपर वे एटमोसफेयर पे यहां पर यहां पर तुम्हें मिलेगा टीबी है ना वो है बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का सॉल्यूशन का है ना तो ये जो डिफरेंस तुम निकालोगे ये डेल्टा टी भी है जो एलिवेशन आता है बॉइलिंग पॉइंट का का देखो का तो ज्यादा आया ना एज कम्पेयर टू प्योर सोलवेंट है ना तो एलिवेशन आया यहां पर बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट देखने को तुमको मिला तो क्या मैं बोलूँ की जो टीबी है बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का है वो प्योर सोल्वेंट से तो ज्यादा है टीबी नॉट से तो ज्यादा ही है टीबी यस और नो सेल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्योर एज कम्पेयर टू द्योर सोल्वेंट बोल सकते हैं हम है? बोल सकते हैं ठीक है ठीके? तो इसका मतलब अगर मुझे उसमें से घटा दो बॉइलिंग पॉइंट प्योर सोलवेंट का वो तुम्हें डेल्टा टीबी देगा है ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऐसा देखा गया है ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के ठीक तो है, है, है tb -tb तो एक्सप्रेशन इसका देखते ये देखो डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के मोलालिटी ध्यान करा देती हूँ अगर भूल चुके हो तो लिख लेते हैं मोलालिटी किसके बराबर होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय उसके रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं और, बाई मास ये तुम्हारी मोलालिटी होती है ठीक है अब ये तुम्हारा एक्सप्रेशन निकलता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो के बी को इंट्रोड्यूस करोगे के बी तुम्हारा यहाँ पर कॉन्स्टेंट है जिसको तुम मोल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बुला सकते हो या फिर इसको कांस्टेंट भी बुलाते हैं ऐसे ध्यान रखना बी से बॉइलिंग पॉइंट बी से ब्यूलियोस्कोपिक क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में क्रायोस्कोपिक आता है तो दोनों नाम बच्चों को कंफ्यूज करते हैं इसलिए बता रही हूँ ठीक है मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट या ब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट है है ना M तुम्हारी है। के भी कब तुमको याद नहीं करना क्वेश्चन में देगा ठीक है बट अगर ना दिया हो तो निकालने के लिए और चीजें दे देगा तुम्हें जैसे मोलर एनथेल्पी वेपराइजेशन की दे सकता है है ना या फिर लेटन हीट ऑफ वेपराइजेशन दे सकता है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना वरना ये है।, है ना इधर मोलर मास भी आता है डेल्टा एच है ना अगर ऑफ ले रहे हो तो एम मोलर मास होता है सॉल्वेंट का आर की वैल्यू यूनिट के रिस्पेक्ट में देख लेना कौन सी लोगे टी भी तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट होगा प्योर सॉल्वेंट का ध्यान रखोगे इसे इजी ठीक है चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ द मोलर बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट वॉटर का तुमको दिया हुआ है ठीक है Yes, water का दिया मोल ऑफ शुगर इज डिजॉल बताओ, yes, बताओ है क्वेश्चन क्या मुश्किल है नहीं मैम डेल्टा भी अभी कर, कर आयो केवी इन टू मोलालिटी यस डेल्टा टीवी टीवी माइनस टीवी नॉट सेल्यूशन का माइनस प्योर फॉर्म में सोल्वेंट का कर सकते हैं बोलो कर सकते हैं ठीक है वाटर <coughs> का तुम्हें दिया हुआ है है के बी की वैल्यू तुम्हें दिया है पॉइंट फाइव वन थ्री इसको ऐसे ही रखो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें मोलालिटी निकालो मोलालिटी निकलेगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट पॉइंट वन मोल शुगर का दिया हुआ है तुम्हें है ना मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई के जी मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे दो सौ ग्राम दिया है तो के जी के लिए थाउजेंड से डिवाइड कर देंगे वो ऊपर चला जाएगा यस यस और नो बोलो यस yes. ओके okay, यहाँ पे टीबी हमें निकालना है है ना सोल्यूशन बॉइल्स अंडर प्रेशर ऑफ ये पूछा है माइनस टीबी नॉट हमें पता है पानी के लिए हंड्रेड ही होगा हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करेगा है ना तो यहाँ से वैल्यू निकाल देना अपने टीबी की निकाल लोगे कैलकुलेशन तो कर लोगे ना पूरी मुश्किल नहीं है ठीक है देखो ऐसे निकाल ली अपनी वैल्यू सारी मुलालिटी निकाली फिर ये और हंड्रेड को एड कर दिया हंड्रेड पॉइंट टू फाइव सिक्स डिग्री सेल्सियस ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो इस पर कैसे इंपैक्ट आएगा फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर तो वही वाला केस है हमारे पास वॉलेटाइल सॉल्वेंट है है ना उस वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर हमने बाहर से किसका एडिशन किया भाई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का है ना जो वेपर्स नहीं बनाएगा तो ऐसा करने से अभी हमने देखा था वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट आएगा है ना वेपर प्रेशर घटना फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाएगा ग्राफ से समझते हैं इस चीज को देखना जरा आई चेंज टू रेड कलर तो वीबो प्रेशर टेम्परेचर का यहाँ पे ग्राफ है ठीक है सबसे पहले लिक्विड की बात आप प्योर सॉल्वेंट की देखो सॉल्वेंट के लिए ये वाला ग्राफ है यहाँ पर देखो ब्लू कलर से यहाँ तक दिस इज फ्रोजन सॉल्वेंट है ना फ्रोजन सॉल्वेंट का मतलब क्या है फ्रोजन सॉल्वेंट मीन ये तुम्हारा प्योर सॉलिड फॉर्म में है है ना सॉल्वेंट है तुम्हारा किसमें प्योर सॉलिड फॉर्म में सो दिस फ्रोजन सॉल्वेंट यानी कि सॉल्वेंट है हमारा सॉलिड में प्योर सॉल्वेंट इन द सॉलिड स्टेट ठीक है ये ब्लू कलर का जो ग्राफ दिख रहा है इतना ये उसके लिए है ठीक है उसके बाद ऊपर यू कैन सी वो लिक्विड प्योर सॉल्वेंट है वो कब है लिक्विड प्योर सॉल्वेंट है और यहाँ पर इनके बीच में इक्विलिब्रियम है है ना ये सॉलिड फ्रोजन सॉल्वेंट और लिक्विड प्योर सॉल्वेंट आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर ठीक है इस पॉइंट पर ये वाला जो पॉइंट तुम मेजर करोगे दैट विल गिव यू टी एफ नॉट यहाँ पर देखो ये इक्विलिब्रियम है इनके बीच में इस पॉइंट पर तुमको टीएफ नॉट मिलेगा जो कि फ्रीजिंग पॉइंट है किसका बिना प्योर सॉल्वेंट का है ना तो मैं बोल सकती हूँ देखो टी एफ नॉट हमने कैसे मेजर किया टीएफ नॉट क्या है फ्रीजिंग पॉइंट किसका है प्योर सॉल्वेंट का ये कैसे निकाला हमने जब हमारा सॉलिड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट या बोलो सॉलिड प्योर सॉल्वेंट है ना सॉलिड स्टेट में प्योर सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम में है किसके साथ लिक्विड प्योर सॉल्वेंट के साथ लिक्विड प्योर सॉल्वेंट के साथ इस पॉइंट पर तुमको मिलेगा टी एफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट ठीक है अब देखो नीचे की तरफ तुम्हें सॉल्यूशन का ग्राफ दिख रहा है है ना ये सॉल्यूशन ये वो है ये वाला पॉइंट जब ये सॉल्यूशन जो है तुम्हारा लिक्विड सॉल्यूशन ये किसका है लिक्विड सॉल्यूशन का जब तुम्हारा लिक्विड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में आएगा किसके साथ सॉलिड सॉल्वेंट के साथ यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे यहाँ पे तो सॉलिड सॉल्वेंट था तो जब तुम्हारा लिक्विड सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम पर आता है उस पॉइंट पर तुम्हें टीएफ मिलता है यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का कब मिला हमको जब हमारा सॉलिड सॉल्वेंट या सॉलिड प्योर सॉल्वेंट का इक्विलिब्रियम है किसके साथ लिक्विड सॉल्यूशन के साथ लिक्विड सॉल्यूशन के साथ तो इस पॉइंट पर अपना निकलेगा टीएफ टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो जो कि कि कम कम है कम है नॉट से देख सकते हो इनका जो डिफरेंस होगा यहां से डेल्टा टीएफ आएगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की क्यों बात की है बेटा क्योंकि ग्राफ से ही देखो टीएफ नॉट जो है वो ज्यादा है टीएफ से फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा है फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन से है ना तो जो डेल्टा टीएफ होगा वो कैसे निकलेगा टीएफ नॉट माइनस टीएफ बताओ निकलेगा है ना टी एफ नॉर फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट में से फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का घटाओगे वो तुम्हें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट देगा ठीक है अभी क्योंकि हम वन शॉट में कर रहे कर रहे रहे हैं हैं रिवाइज तो इतना डिटेल में नहीं कर रहे हैं बट फिर भी मैंने तुम्हें काफी डिटेल में ये वाली चीज बता दी है ताकि तुमको क्लैरिटी ऑफ थॉट रहे कि ये जो एक्सप्रेशन रखते हो वो आया कहा से है ठीक है बाकी चैनल पे सब्सक्राइब रहो बिकॉज हमने एक नया चैनल बनाया तुम लोगों के लिए ठीक है जिसपे हम स्पेशली जेई की तैयारी करेंगे है ना के थ्रू योर फाइनल एग्जाम तो उसको सब्सक्राइब कर लो ठीक है यस तो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट से यही पता चला डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पॉइंटिटी के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ठीक है यहाँ पे भी अगर तुम प्रपोर्शनिटी का साइन हटाओगे तो एक

इतना चेंज है बाकी सब सेम है ठीक है कर लेंगे न्यूमेरिकल्स इनके वेंट हॉफ फैक्टर करने के बाद देखेंगे बेसिकली ठीक है क्योंकि हॉफ फैक्टर मिलाकर ही इसके न्यूमेरिकल्स पेपर में आते हैं राइट नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस वो फिनोमिना है जिससे तुम्हारा जो पैसेज होगा प्योर सॉल्वेंट का होता है इन टू दोल्यूशन साइड मतलब कि जैसे देखो यहाँ पर समझो ये वैसे इन्होंने दिखा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है एक तरफ तुम्हारा सोल्यूशन भरा हुआ है दूसरी तरफ तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट है तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ना सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलाउ करता है जाने के लिए तो यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो है ना टूवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड देख रहे हो मतलब मैं लिख सकती हूँ प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का फ्लो प्योर सॉल्वेंट का फ्लो कहा पर बेटा सॉल्यूशन पार्टिकल्स की तरफ यही ऑस्मोसिस होता है ठीक है ओके okay, यही ऑस्मोसिस होता है वाया सेमी मेम्ब्रेन राइट जो यहाँ पे तुम देख सकते हो है ना इधर से इधर तुम्हारा फिल्ड होगा सॉल्वेंट जहां से मूव हो रहा है सोल्यूशन होगा, होगा यही फ्लो ऑस्मोसिस होता है बाकी और तरीके भी है इसको डिफाइन करने की मतलब लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स का फ्लो या ये आसान तरीका है प्योर सॉल्वेंट का फ्लो सोल्यूशन की तरफ आसान याद रहता है ठीक है ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है पाई से इसको हम एक्सप्रेस करते हैं वो मिनिमम प्रेशर है ना जो तुमको लगाना पड़ेगा ताकि जो भी तुम्हारा ऑस्मोसिस है वो रुक जाए जैसे आर है ना रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्योरिफिकेशन में करते हैं वहां पर ये चीज काम आती है ठीक है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है जो यहाँ पर लगेगा सॉल्यूशन की साइड ठीक है ये ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर के भी ठीक है तो यहाँ से क्या बना पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर के प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो गैस कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करते हो तो सीआरटी पाई इज इक्वल टू सी आर टी ये एक्सप्रेशन बन जाता है तुम्हारा ठीक है देख सकते हो यस yes, यहाँ लिख लो पाई इज इक्वल टू सी आर टी ठीक है सी वही मोलर कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन की या फिर मोलारिटी बोल लो इसे है ना आर तुम्हें पता ही है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट टी तुम्हारा टेम्परेचर है ठीक है निकाल लोगे ऐसे हाँ चलो एक और टर्म हो है आइसोटोनिक सोल्यूशन आइसो मतलब सेम तो ऐसे सोल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर आ जाता है वो तुम्हारे क्या होते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन होते हैं ठीक है तो वहां पर पाई वन बराबर होगा पाई टू के यानी जो सी आर टी सी वन आर टी सी टू आर टी के बराबर होगा आर टी तो कांस्टेंट है तो इसका मतलब जब कंसंट्रेशन बराबर होगी है ना दोनों की दोनों सोल्यूशन है ना दोनों सेल्यूशन की कंसंट्रेशन बराबर होगी कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो वो आइसोटोनिक आइसोटोनिकल्यूशन होंगे ये ये प्रोपोर्शनल बराबर है तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर होगा ठीक है अगर मान लो किसी केस में पाई पाइवन ऑस्मोटिक प्रेशर पहले सेल्यूशन का ज्यादा होता है दूसरे से तो जिसका ज्यादा होता है उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या बोलते हैं बेटा हाइपरटोनिक जिसका कम होता है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक क्या बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन ओके okay, हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक देख लोगे इजी hmm. चलो एक क्वेश्चन करो क्वेश्चन बोल रहा है एक सोल्यूशन है जिसमें फोर ग्राम पॉलीविनाइल क्लोराइड है एक लीटर डाइऑक्सीन में वाज फाउंड टू हैव एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वैसे ये न्यूमेरिकल ज्यादा करने का फायदा होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के वेंट हॉफ फैक्टर के बाद क्योंकि उसको मिला के ही पेपर में पूछता है बट स्टिल फॉर्मूला याद करने का बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्विंग करो ठीक है तो पाए इसके बराबर है ठीक है ऑस्मोटिक प्रेशर ओके मॉलिक्यूलर मास आपसे पूछा है पॉलीमर का कितना होगा तो हम अपना एक्सप्रेशन लगाएंगे सीआरटी मॉलिक्यूलर मास तो है ही नहीं इसमें बट कॉन्सेंट्रेशन क्या था मोलारिटी ही है ना जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू तो द लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है ठीक है एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो बोलो भाई कर सकते हो है ना यहां से तुम निकाल पाओगे राइट नंबर ऑफ मोल्स का मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द पॉलीमर ठीक है वी एस इट इज देख सकते हो है ना पाई की वैल्यू दी है सिक्स इन टू टेन एच और माइनस फोर एटमोसफेयर वॉल्यूम तुम्हारा वन लीटर दिया हुआ है ठीक है ओके okay. और मास कितना दिया है फोर ग्राम दिया है ठीक है गैस कांस्टेंट यूज कर सकते हो सिंपल तुम्हारा तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर वाला है तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर कैलविन पर मोल ठीक है और टेम्परेचर भी दिया है 300 सो कैलविन यहाँ से एम की वैल्यू निकाल लो निकाल सकते हो बोलो निकाल लोगे है ना ये एम लोगे देखो ये वैल्यू हमने डाली है गैस कांस्टेंट की क्योंकि यूनिट्स के हिसाब से प्रेशर देखकर तुम्हें तो समझ आ गया होगा राइट यहाँ से निकलेगा 1.6 पॉइंट सिक्स इन टू टेन रेज टू पार फाइव कर सकते हो ईजी ठीक है चलिए नेक्स्ट टॉपिक है वेंट हॉफ फैक्टर बहुत ध्यान से समझना इसको तो वेंट हॉफ फैक्टर को हम क्यों पढ़ते हैं वेंट हॉफ फैक्टर को इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि देखो काफी सारे सॉल्यूट ऐसे होते हैं काफी सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर जाके या तो एसोसिएट कर सकते हैं या डिसोसिएट कर सकते हैं है ना आपने देखा है सॉल्वेंट के जैसे आप आयनिक कंपाउंड्स लेते हो एसिड स्पीसीस वो पानी में जाके डिसोसिएट हो जाते हैं टूट जाते हैं आयोन्स में काफी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो डायमराइज कर जाते हैं जैसे बहुत सारी कार्बोक्सिलिक एसिड होती है या एच है जैसे है ना हाइड्रोजन फ्लोराइड तो वो क्या करते हैं एसोसिएशन कर लेते हैं तो जब ये सब होता है जब कोई सब्सटेंस सॉल्वेंट में टूटता है या फिर यू नो डबल ट्रिपल अप हो जाता है तो उस केस में उस सब्सटेंस का ना मास इंपैक्ट हो जाता है मॉलिक्यूलर मास अगर मॉलिक्यूलर मास इंपैक्ट हो गया भाई तो इसका मतलब उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंपैक्ट हो जाएगी हो जाएगी ना तो ऐसे केसेस में हम वेंट हॉफ फैक्टर की बात करते हैं ठीक है वेंट हॉफ फैक्टर की हम तब बात करते हैं जैसे एसिड के केस में मैंने बताया एसोसिएशन देखने को मिल सकता है तुम्हें है ना एसिड पेस होते हैं डिसोसिएट हो जाते हैं तो वो सब के लिए पढ़ना जरूरी होता है वेंट हॉफ फैक्टर तो इसके काफी तरीके हैं इसको एक्सप्रेस करने के नॉर्मल मोलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास इसका क्या मतलब है समझाऊंगी ठीक है ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स ठीक है और ये भी लिख सकते हैं और कॉमन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन शॉर्ट में लिख डिसो ठीक है टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स बिफोर ठीक है टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन ठीक है आफ्टर को डिवाइड कर दो बिफोर से राइट right, अब इसको समझो कि मैम नॉर्मल मोलर मास क्या होता है सारे नॉर्मल नहीं होते है. इसका मतलब क्या है जैसे मान लो कोई यहाँ पर लिखते हो विजिबल है एनएसीएल जैसे हमने डाला पानी में और वो टूट गया सोडियम आयोन और क्लोराइड आयोन में ठीक है मान लो तुमने एक मोल एनएसीएल से शुरू किया था एक मोल एनएसीएल में से मान लो इसका कुछ पॉइंट फाइव टूट गया कितना टूट गया पॉइंट फाइव टूट गया तो पॉइंट फाइव टूटा तो पॉइंट फाइव ही बचा है ना और ये पॉइंट पहले कुछ भी नहीं था अब पॉइंट फाइव ये बन गए है ना तो नॉर्मल मोलर मास या नॉर्मल मोल्स वो होते हैं जो शुरू में प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर ये ये जो टोटल इनिशियल मोल्स तुम देख पा रहे हो ना शुरू में ये इनिशियल मोल्स को ही हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड मोल्स ठीक है बिफोर है ना तुम देख सकते हो एक्सपेक्टेड मोल्स तुम्हारे या फिर नॉर्मल हम बोल सकते हैं इसके लिए इनिशियल टर्म यूज कर सकते हैं थियोरेटिकल टर्म यूज कर सकते हैं वो इसके लिए होता है ठीक है बाद में जितने मोल्स बने बाद में देखो पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव बाद में कितना बना बेटा वन पॉइंट फाइव मोल्स है ना तो यहां पर इनफैक्ट जब भी डिसोसिएशन होता है ना तो वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू एक से बड़ी होती है देखो यहाँ पे 1.5 इनिशियल से ज्यादा ही हो गया तो ये जो वैल्यू तुम्हें मिलती है बाद में इसको बोलते हैं ऑब्जर्व वैल्यू ऑब्जर्व की जगह पर इसको एब भी बोला जाता है यस yes, है ना या फिर ये प्रैक्टिकल भी बोलते हैं वो ऊपर वाले इनिशियल वाले थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल या फिर रियल वैल्यू वो इसके लिए टर्म यूज होती है ठीक है ध्यान रखना बाकी क्वेश्चंस जब करेंगे तब ज्यादा समझ आता है ठीक है हाँ ये भी देख लो वेंट हॉफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना इसका इसको कैसे निकालते हैं वेंट हॉफ फैक्टर को राइट अगर डिसोसिएशन हो रहा है जैसे ए एन है टूट गया एन मोल्स ऑफ ए के अंदर है ना तो मान लो बिफोर शुरू में इनिशियल बोल सकते हो एक मोल से मैंने शुरू किया इसके ये अभी नहीं बना है है ना तो आफ्टर डिसोसिएशन आफ्टर जब ये टूटा तो मान लो एक में से एल्फा मोल टूट गया है ना इसका देखो एक मोल ए से एन मोल ए का बन रहा है एक मोल ए एन से एन मोल एक का बन रहा है फिर सुनो, मोल जब मैंने लिया तो उससे मोल ए बन रहा है, है ना? तो इसका एल्फा टूटने से इसका कितना बनेगा एन एल्फा स्टोक्योमेट्री के हिसाब से बनाते हो इसके एक मोल से इसका एन मोल बन रहा है तो इसके एल्फा टूटने से इसका एन एल्फा बनेगा जाहिर सी बात है तो ये बनेगा एनएल्फा बनेगा बनेगा ठीक है तो I की वैल्यू लिखो क्या थी ये लास्ट एक्सप्रेशन टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए वन माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा टोटल मोल्स डिवाइडेड बाय देखो टोटल मोल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन तो इसको यहाँ पर वन रख दो रख सकते हैं अगर मैंने मान लो एल्फा कॉमन ले लिया तो ये बनेगा वन प्लस एल्फा एन ओके जी ओके okay. यहां पे तुम्हारा एल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एन क्या है एन क्या है यहां पर देखो एन ये है टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है ना टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके प्रोडक्ट के

तो एन की वैल्यू वहां से आएगी टोटल मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट साइड ठीक है तो ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना सीधा तुम्हारा वेंट हॉफ फैक्टर का है ना आई का एक्सप्रेशन वन प्लस एल्फा एन माइनस वन निकलता है ठीक है फिर बाद में यही चीज अगर हम करते हैं एसोसिएशन के लिए है ना एसोसिएशन में मान लो एन मोल ए था एसोसिएट हो गया ए एन बन गया देख रहे हो ना एन मोल से एक ही मोल बना इसका तो ये एसोसिएशन हो गया तो एसोसिएशन में भी इसको लेट से मैं ऐसे लिख सकती हूँ एन मोल ऐसे लिखो मैंने मोल की जगह एक मोल ले लिया ताकि तुमको समझने में आसानी हो जाए है ना तो वही करता है बिफोर एसोसिएशन इसका अगर एक मोल था ये नहीं बना है ना आफ्टर एसोसिएशन अगर इसका एल्फा टूटा तो स्टोइकियोमेट्री दे देखो एक मोल ए से वन बाय एन मोल ए एन बनता है एक मोल ऐसे एक बाय एन बनता है तो अगर ए का एल्फा टूटा तो ये अल्फा बाय बनेगा सही बात है ना भाई ये चीजें है मायने रखती है जब तुम आ, वो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हो तब भी ये चीज तुमको ध्यान में रखनी होती है आयनिक इक्विलिब्रियम में भी है ना तब यहाँ तुम काइनेटिक्स करते हो वहां भी कभी-कभी तुम ऐसे इक्वेशंस चलते हो तो ये सब को इस स्टोइकियोमेट्री को समझो स्टोइकियोमेट्री बहुत काम की चीज होती है इतना टूटा तो कितना बनेगा लाइक दैट ठीक है आय की वैल्यू देखो टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन बिफोर कितने थे 1 था है ना यहाँ पर भी अगर हम कॉमन ले लेते हैं ठीक ठीक है है जी देख सकते हो पर जो तुम्हारा एन है वो अलग है एन यहाँ पर देखो यहाँ रिएक्टेंट साइड है तो एन कितना होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एसोसिएशन में रिएक्टेंट के मोल्स आते हैं एंड में है ना एल्फा यहाँ पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहलाएगा ठीक है जी उधर क्या था उधर वहां पर तुम्हारा एल्फा देख लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था टोटल मोल्स प्रोडक्ट के थे एसोसिएशन में रिएक्टेंट के हैं ठीक है ध्यान रखना अब फाइनली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के एक्सप्रेशन ये बनते हैं देखो यहाँ पर हमें आई को यूज करना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर आई सिर्फ वहीं पर लिखते हैं जहां पे हम सॉल्यूट के मोल्स लिखते हैं यहाँ वन टू क्या है देखो केमिस्ट्री में इस चैप्टर में बी मैंने बताया था ना सोल्यूट के लिए यूज होगा ए सॉल्वेंट के लिए होगा ऐसे ऐसे कुछ जगह पे कुछ किताबें बी की जगह पे सॉल्यूट को टू यूज करती है और सॉल्वेंट को वन लिख देती है तो यहाँ पे एन वन मतलब सॉल्वेंट के मोल्स उसके आगे वेंट ऑफ फैक्टर नहीं लगेगा क्योंकि वो विद हम सॉल्यूट की प्रॉपर्टी है वो है ना कुछ सॉल्यूट आकर पानी के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट में टूट सकते हैं या जुड़ सकते हैं तो वो सॉल्यूट की बात कर रहे हैं हम इसीलिए उसके आगे ही हम लगा रहे हैं उसे है ना प्रॉपर्टी आपको पता है हम बात ही सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में करी थी है ना यस और नो यस ओके ये क्वेश्चन देखो जरा एक फिर उसके बाद ये आज का हो जाएगा हमारे चैप्टर फिनिश हो गया ठीक है क्वेश्चन देखो वी हैव थ्री सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लेबल्ड एज ए बी एंड सी इन कॉन्सेंट्रेशन के साथ ठीक है पॉइंट वन मोलर जीरो पॉइंट जीरो वन और जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन मोलर द वैल्यू ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर फॉर दीज सोल्यूशन विल बी इन ऑर्डर तीन एक्विट सोल्यूशन है कॉन्सेंट्रेशन है वेंट हॉफ फैक्टर क्या कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड भी कर रही थी और वैसे भी एनएसीएल है पूरा टूट जाएगा है ना तो वन ही आएगी मतलब सेम ही आएगी सबकी वैल्यू इज इन यस तो देखो द वैल्यू वैल्यूट कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ एन ए सी एल है ना आई एन ए सी एल के लिए दो आएगा सो यू नो एन ए प्लस क्लोराइड आयोज में पूरा ब्रेक कर जाएगा है ना यस yes? ओके okay. चलो ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में आंसर करो ठीक है क्वेश्चन है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का आपको दिया गया है ओके वन मोलर यूरिया सोल्यूशन फ्रीज करता है इतने पे अज्यूम करो मोलालिटी मोलारिटी के बराबर है वैसे भी वन मोलल दिया उन्होंने पीएच बताइए एसिड के का तो अब मैम ने पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया है तो मैं चाहती हूँ तुम कमेंट में इसका आंसर दो ठीक है और यस आज हमने सोल्यूशन को रिवाइज किया है थैंक यू सो मच गाइज अब क्योंकि ये छोटू सेशन थे तो हमने बेस्ट तरीके से रिवाइज करने की कोशिश की बट डिटेल्ड यू नो अपडेटेड सिलेबस जेई के साथ हम नई सीरीज लेकर आ रहे हैं है ना सो स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो इस वीडियो को राइट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द न्यू सेशन थैंक यू सो मच गाइज एंड यस आंसर दे देना कॉमेंट सेक्शन में ठीक है मैं